गुड मॉर्निंग राधे राधे, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सुनीता शर्मा चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पर मेरे नहाना धोना सब कुछ हो चुका है काम, बाकी खाना रोटियाँ सेकना रह गया है बस। बाकी खाने की तैयारी भी मैं सब कर चुकी हूँ। और खाने में बनाए मैंने कढ़ी और सूखे आलू की सब्जी। तो कढ़ी ना मेरे घर में बहुत ज़्यादा बनती है और अभी फ़िलहाल तो ज़्यादा ही दिखने को मिल रही है, क्योंकि सावन में कढ़ी नहीं बनेगी। 1 महीने के लिए ना कढ़ी बंद हो जाती है, हमारे घर में कढ़ी नहीं बनाते सावन में। तो अभी फ़िलहाल मैंने कहा बना ले रहे हैं 1-2 दिन और। तो यहाँ पे मैं खाना वगैरह सब तैयार कर चुकी हूँ और बाकी रोटियाँ सेक रही हूँ मैं। तो किया था मैंने थोड़ा बहुत पहले भी शूट किया था, लेकिन वो सब हटा दिया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। और यहाँ पे देखना मेरी कढ़ी, आलू की सब्जी, सूखे आलू साथ में, और रोटियाँ तैयार हो चुकी हैं। तो खा लीजिए आप लोग भी। और यहाँ पे हो चुका है अब शाम का टाइम। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है, 3 बज रहे होंगे। तो यहाँ पे ये बच्चों की थोड़ी सी डिमांड थी, बच्चों की नहीं, ये प्रांशु की डिमांड थी। प्रांशु और प्रांशु की दादी का बहुत मन कर रहा था, मतलब मेरी मम्मी दोनों का मन कर रहा था। ये आपस में मतलब बाजार से मंगाने की वो कर रहे थे। मैंने सोचा फिर घर पे ही बना देती हूँ थोड़ा सा उठ के ना। वैसे भी मौसम अच्छा हो गया था, थोड़ा सा इतनी गर्मी नहीं लग रही थी। तो फिर मैंने आलू वगैरह बॉयल करके रखे थे, अब मैं आलूओं को ना फ्राई कर रही हूँ। और आलूओं में मैंने उसमें कढ़ाई में तेल गरम करके मैंने जीरा डाला है, और जीरे के बाद में डाला है मैंने 1 चम्मच बेसन। और मैं इसमें मतलब जो पिट्ठी बनाती हूँ उसको मतलब बेसन बनाती हूँ, उसमें बेसन ज़रूर डालती हूँ 1 चम्मच। और उसके बाद डाला है मैंने धनिया पाउडर और लाल मिर्ची, और ज़्यादा कोई मसाले यूज नहीं करूँगी मैं। हल्का सा गरम मसाला डाल दो। और ये सब मिक्स करने के बाद में मैं मिला लूँगी इसमें नमक, और थोड़ा सा मिलाऊँगी मैं आमचूर पाउडर। इसमें ना थोड़ा खट्टापन आता है तो अच्छा लगता है ये इसमें ब्रेड पकोड़े में। तो नमक वगैरह डाल लूँगी मैं, और मतलब अपने हिसाब से डालूँगी, जितना हमें पसंद है, कम तेज वो सब आप भी अपने हिसाब से डाल सकते हो। इसमें मैंने भी मतलब अपने हिसाब से ही डाला है, जितना हम तीखा खाते हैं उसी हिसाब से मिर्ची डालते हैं। और बाकी इस पिट्ठी को ना अच्छे से मिला लूँगी मैं। और पिट्ठी तो ना कई चीज़ों में तैयार होती है, इसमें ना बेसन का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप बनाते हैं तो कोई बात नहीं, और नहीं बनाते हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई करना 1 चम्मच बेसन डाल के इसमें। बाकी मैं अपनी मेरी पिट्ठी तैयार हो चुकी है, तो मैं इसको अलग निकाल के रख लूँगी बर्तन में, और ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी जब तक। बाकी की तैयारी कर लूँगी मैं फिर इसको। और यहाँ पे लिया है मैंने बेसन, तो बेसन का घोल बनाना है ब्रेड पकोड़े के लिए। तो इसको ना अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसको ना थोड़ा सा फेंट लूँगी, मतलब क्या उस पर कम से कम फेंटने के बाद में ना थोड़ा सा अच्छा हो जाए ये। तो देखिए इस तरह से ना फेंट लूँगी मैं अच्छे से इसको, और मिला लीजिए। और इसके बाद में कुछ नहीं डालना मुझे। और देखो पानी मतलब उसी हिसाब से रखना है, ज़्यादा ना तो गाढ़ा रखना है और ना ज़्यादा पतला रखना है। तो इसके बाद में मैं डालूँगी इसमें नमक, और हल्का सा नमक डालना है, मतलब तेज़ नहीं, हल्का सा नमक डाल दो। और बाकी डाला है मैंने सोडा, खाने वाला जो सोडा होता है ना, बहुत हल्का, एक चुटकी के बराबर, बस इतना सा डाला है, और बाकी कुछ भी नहीं डाला इसमें। तो इसे फिर से मिक्स कर लूँगी, सब मिला लूँगी मैं इसमें। और उसके बाद में अपने मिक्स करने के बाद में अपनी गैस पर कढ़ाई रख दूँगी, उसमें डाल दूँगी मैं रिफाइंड ऑयल, और बाकी अपने ब्रेड वगैरह कट कर लूँगी इनको। और ब्रेड कट करने के बाद में इनमें भरूँगी मैं पिट्ठी, जो मैंने आलू की पिट्ठी बना के रखी है उसको मैं भर लूँगी। देखिए इस तरह से ना पूरी मतलब अच्छे से कवर कर लेनी है, और मैंने खूब अच्छे से भरा था। जो कि ठीक से भरोगे ना तो थोड़ा बाजार वाला वो बड़ा हो जाएगा, मतलब बाजार की तरह। और इसी तरह से मैं अपने तैयार कर लूँगी। और जब तक मेरा तेल गरम हो रहा है, इतनी देर में अपने ये तैयार कर लूँगी मैं, भर के रख लूँगी, तो मतलब आसानी हो जाती है। और
उसके बाद मैं अपना इसको सेकूंगी। इसी तरह से मैं कट करने के बाद में कट कर करके देखो भर लेना है आपको अच्छे से उनको, और भर भर के सभी रख लूँगी। फिर अभी मैंने इसमें ना प्याज ऐड नहीं की है, क्योंकि अभी ये बिना प्याज वाले बन रहे हैं ये पहले, और फिर जब मतलब ये हो जाएगा ना, तो प्रिया ने प्याज कट कर दी थी कि हमारे लिए ना प्याज डाल देना, तो उसमें मैंने कच्ची प्याज डाल दी थी, ऐसे फ्राई करने में नहीं डाली, कच्ची ही डाल दी थी उसमें पिट्ठी में। और देखिए इस तरह से मतलब मैं इनको सारे मतलब बना के रख लूँगी। तो पहले मैं उनके लिए मम्मी बाबूजी के लिए रख दूँगी बना के ये वाले, और देखिए इस तरह से मतलब इसको अच्छे से लगा लेना है बेसन को, ताकि ये पूरा कवर हो जाए। और कवर होने के बाद में मैं इसको छोड़ दूँगी इसमें अपने तेल में, और दो दो ही आएंगे, क्योंकि बड़ा साइज होता है ना इसका, तो ज़्यादा ज़्यादा नहीं आएंगे, दो दो ही सेकूँगी मैं एक बार में, क्योंकि ज़्यादा नहीं सेक पाएंगे। और देखना मेरे कितने अच्छे लग रहे हैं ना ब्रेड पकौड़े, मतलब बिल्कुल बाजार वाले बड़े बड़े, घर पे आसानी से बन जाते हैं, कोई ऐसी वो नहीं है। लेकिन ये है थोड़ा सा गर्मी में मतलब गर्मी की वजह से वो हो जाता है। देखो मेरे ये सिक्के तैयार हो चुके हैं, देखना कितने अच्छे लग रहे हैं आप लोग भी खा लीजिए। और इसी तरह से मैं फिर अपने बाकी के और सेक लूँगी, अपना दो और बनाऊँगी मैं पहले बिना प्याज वाले, फिर बाकी अपना इसमें फिर मुझे प्याज ऐड करनी है क्योंकि बच्चों को खाने हैं प्याज के, उसको प्रांशु को तो इतना प्याज के उससे पीछे ही पड़ता रहेगा प्रिया से ना, कि काट दे दीदी प्याज कट कर दे, जब तक मम्मी बना रही हैं तो उसने उधर प्याज कट कर दी थी, तो फिर मैं मिक्स कर लूँगी। चलो मैंने कहा बच्चों को खाने जैसे खाएं अपना ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेरे ये ब्रेड पकौड़े सिक्के हो गए तैयार, कितने अच्छे ब्रेड पकौड़े लग रहे हैं ना, एक बार आप लोग ट्राई कर लीजिए और आप लोग भी खा लीजिए ब्रेड पकौड़े। तो और यहाँ पे देखना मैं कट करके दिखा रही थी आपको ना, देखो बीच में मतलब कितना अच्छा लग रहा है, मतलब पूरा भरा हुआ है। और इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे पनीर वगैरह हो आपके पास तो वो भी डाल सकते हो, मटर वगैरह। वैसे गाइस गुड इवनिंग, कैसे हैं सब लोग, और मौसम आप देख ही लीजिए कितना हसीन हो रहा है एकदम, बहुत अच्छा। पेड़ देखिए, दिखाती हूँ अभी आपको, ये देखिए मतलब मेरे बाल उड़ रहे हैं, उससे पता चल रहा होगा कि कितना अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा है। और ऐसे मौसम में मम्मी ने बना दिए आज ब्रेड पकौड़े, ओहो मज़ा ही आ गया सच में, मतलब खाकर आपके पास मतलब आपने देख ही लिए होंगे। तो ऐसे मौसम में अगर गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े मिल जाए ऐसे तो बने, ये तो बताओ, ओ यम्मी, ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग। मैं अभी खा कर आ रही हूँ, तो मतलब अभी भी मुँह में टेस्ट है उसका। मैंने नहीं खाया अभी हाँ अभी मम्मी ने नहीं खाया, तो मतलब गर्मा गर्म बहुत। मैं वैसे भी कम खाती हूँ ऐसी चीज़ें ना, ये इनको खिला देती हूँ बच्चों को, लेकिन मेरी ऐसी हो जाती है कभी कभी खा ली कभी नहीं। और मौसम हो रहा है बहुत ही ज़्यादा अच्छा, आप लोगों को हवा से पता चल रहा होगा, और आप लोगों के तरफ भी अच्छे मौसम हो रहा होगा। आज इन्होंने बता दिया है, मैं अपनी तारीफ खुद करती हूँ तो अच्छा नहीं लगता ना, आज इन्होंने खुद ही फ़ोन लेके बता दिया कि बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और ब्रेड पकौड़े, और मम्मी बाबूजी को भी बहुत पसंद आए ये लोग कल से, कल क्योंकि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ था, तो कल कुछ नहीं किया ना, वीडियो वगैरह नहीं बनाया, आज फिर मैंने उठ के बना ही दिए। मैंने कहा चलो इनकी मन कर रहा है इनका दोनों का क्योंकि दोनों सलाह कर रहे थे एक दूसरे से ना हाँ एक दूसरे से कर रहे थे कि बाहर से मंगाएं ये करें वो करें इस तरीके से, तो फिर मतलब उसने मम्मी को बताया कि दादी और हमारा मन है खाने का, तो मम्मी ने घर पे ही बना दिया, क्योंकि बाहर से तो बेटर है, बाहर में अपना सेफ है, और इस टाइम पे तो वैसे भी सेफ है घर में बनाना, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। ना ज़्यादा भी हो जाती है मतलब, और पेट भर के खा लोगे, वहाँ से मंगाओगे तो एक एक मंगाओगे, और यहाँ पे आपका जितना मन कर रहा है ना उतना खा लो, पेट भर के खा लो, तो बहुत अच्छा शाम का नाश्ता हो गया। और अभी ना मतलब लगभग शायद 4:45 हो रहे होंगे, और देखो टाइम, और मौसम इतना अच्छा हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे शाम के मतलब 5-6 बज रहे हैं, आजकल तो वैसे भी 5-6 बजे तक भी धूप रहती है, तो इतना अच्छा मौसम हो रहा है। और मतलब उम्मीद है कि थोड़ी सी बारिश हो जाए, तो बारिश हो जाए तो और अच्छी बात है। और देखिए पेड़ वगैरह आप लोगों को दिख रहे होंगे झूमते हुए,
और मम्मी मतलब जो भी कुछ बनाती हैं सभी बहुत टेस्टी बनाती हैं, मतलब जो भी कुछ बनाती हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, मतलब हमें पसंद है। अब आप लोग ट्राई करेंगे, आप लोगों को खिलाएंगे तो शायद आप लोगों को भी पसंद आए, लेकिन वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाती हैं मम्मी। अभी बीच मम्मी ने मतलब 2 दिन पहले शायद वीडियो डाली थी पालक पनीर की, यम्मी, मतलब आप सोच सकते हो, मेरे मतलब एक्सप्रेशन से समझ सकते हो कि कितना अच्छा बना था, और बहुत ही अच्छा बना था और बहुत मज़ा आया मतलब खा के। तो मम्मी जो भी चीज़ बनाती है ना मतलब बहुत टेस्टी बनाती हैं, तो आप लोग भी मम्मी से मतलब थोड़ा सा अगर जिसको नहीं आता है वो ट्राई कर सकता है, सीख सकता है, और जिसको तो आता है वो तो कोई बात ही नहीं है वो तो बनाते ही हैं फिर, लेकिन जो नहीं बनाते वो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं जो मम्मी रेसिपी दे रही हैं। ठीक है, फिर अगर आपको मम्मी की वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ कमेंट करें।